सो एक कमेंट जो हम कभी कभी देखते हैं ज्यादातर हमारे डेयरी के वीडियो में, वो होता है कि क्या आपने कभी 10-100 गायों को पाला है, पहले पालिए और फिर हमें बताइए। तो भाई मेरे, ये कहने के लिए कि जेल में बहुत यातना होती है, जरूरी नहीं है कि मैं एक साल जेल काट के आऊं। ये सभ्य समाज है, पढ़े लिखे लोग हैं, सारा इंफॉर्मेशन सारा ज्ञान डॉक्यूमेंटेड है, किताबों में है, गवर्नमेंट के पेपर्स में है, रिसर्च पेपर्स में है, और सारे फिगर्स हैं। सो ये फिगर्स सच्चाई बताते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं कि मैं एक चार गाय पालूं और उसके बाद ही मैं जानूं, और मैं अगर गाय पालूंगा भी तो बहुत प्यार से पालूंगा, क्योंकि मुझे उनसे सच्चा प्रेम होगा। उनके दूध के लिए नहीं रखूंगा मैं उनको, उनको शोषण भी नहीं दूंगा मैं। तो आप जिस कारण से रखते हैं गाय भैंस, और मैं जिस कारण से रखूंगा, वो कारण ही अलग होगा। आप व्यापार के लिए रखोगे, स्वार्थ के लिए रखते हो, अपने लालच के लिए रखते हो, पैसा बनाने के लिए रखते हो, मैं सिर्फ प्रेम के लिए रखूंगा। सो मैं रखूंगा भी तो मैं आप जो करते हो नहीं करूंगा, अलग रहेगा। पर बात पे आते हुए, सच्चाई और पूरा फैक्ट्स क्या है ये जानने के लिए सारे फिगर्स हैं। भारत में हर साल कितने गाय भैंसों को मारा जाता है, ये सारा फिगर्स है, सरकार का फिगर्स है। कहां से आता है ये सारे? भारत इंडिया बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, नंबर 1-2 पे। कहां से आए ये सारे? ये डेयरी के ही गाय भैंस है। अगर ये डेयरी के नहीं है तो फिर कहां से? इंडिया में सिर्फ मांस के लिए कोई नहीं होगा था गाय भैंस को, सिर्फ डेयरी के इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये बड़े सस्ते से मिल जाते हैं। इंटरनेट पे लेफ्ट राइट हर जगह पे आपको 5,000 फोटो मिलेंगे, ट्रक में कैसे ले जाते हैं, सब कुछ, सब फैक्ट्स है, वीडियोस है। सो ये वीडियोस और ये सच्चाई दर्शाने के लिए क्या मैं तबेला खोलूं पहले? ये सिर्फ बात उड़ाने के लिए हो गई, क्योंकि हम सच्चाई देखना नहीं चाहते।